गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं अहमदाबाद। ये रिटर्न जर्नी होगी अहमदाबाद की हमारी, और ट्रिप को हमने ज़ीरो कर दिया है ट्रिप पे को, और 100% बैटरी चार्ज है। तो कुल मिला के आप मान लो 420-425 किलोमीटर का ये ट्रिप होने वाली है। छोटा सा अपडेट दे देते हैं, अभी वोटार हमारा है 111 और रेंज दिखा रही है 206 किलोमीटर की, और कुल मिला के हमने 25.7 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। और हम जा रहे हैं अहमदाबाद, बताया था मैंने, क्योंकि अपॉइंटमेंट है वीज़ा के लिए। सो 2 बजे का टाइम है, तो अभी सफिशिएंट टाइम है, हम पहुंच जाएंगे। बट इस ट्रिप में मुझे देखना ये है, क्योंकि घर से निकला था मैं 210 किलोमीटर दिखा रहा था, जहां मुझे जाना है, वीज़ा सेंटर है इटली का, और ये गाड़ी को नॉन स्टॉप उधर पहुंचाना है। और उधर ही मॉल में एक जियो बीपी का डीसी फास्ट चार्जर है, तो वहीं पे भी गाड़ी चार्ज हो जाएगी और अपना काम हो जाएगा, तब तक वापस रिटर्न निकल लेंगे हम। सो पहला टास्क ये है कि 210 किलोमीटर गाड़ी को वहाँ पहुंचाना है नॉन स्टॉप। अभी फ़िलहाल एसी हमारा चालू है, फैन स्पीड 1 पे है, और टेम्परेचर है 26 सेट किया हुआ। ऑलमोस्ट वेदर भी अच्छा ही है, इसलिए अगर फैन स्पीड 1 हो तो एवरेज थोड़ी बढ़ के आती है मेरे हिसाब से, और कूलिंग भी इतनी रहती है, पसीना नहीं होता बट चल जाता है। आप देख सकते हो, ये पहली बार नहीं हुआ है। एक जो गौ माता है, ये बारिश के सीजन में रोड पे अमूमन आ जाती है, क्योंकि बारिश में क्या होता है, बाकी सब जगह गीली होती है, इसलिए या तो रोड पे बैठ जाती है, रोड सूखा होता है वो, और रोड पे ही टहलती है। उस हिसाब से काफ़ी डेंजरस है ये सिचुएशन, उसकी भी कोई गलती नहीं है, बट जो काफ़ी सारे मालिक होते हैं, जो गौपालक, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, और काफ़ी सारी लावारिस भी होती है, गाय है, जैसे कि आप देख सकते हो ये आखले बैठे हुए हैं। तो ये सिचुएशन के बारे में कुछ सोचना चाहिए हाईवे अथॉरिटी को और गांव वालों को भी। और एक बार देखो, ये सामने से पूरा झुंड चला आ रहा है। यहाँ से अभी गूगल मैप में देखा है तो 138 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, और आप देख सकते हो ओडोमीटर में 153 किमी की रेंज दिखा रही है, और 69% बैटरी बची है। ये थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा मेरे लिए भी, बट ट्राई करते हैं, अगर पहुंच जाते हैं तो डायरेक्ट अपनी लोकेशन पे। ओवर ब्रिज पे चढ़ाई हो रही है हमारी, तो एक बात बता दूं आपको, आप जितना स्लो एक्सेलरेट करोगे पेडल पे, पुश जितना भी स्लो करोगे, उतना आपको एवरेज ज़्यादा मिलेगी। अगर सर्टन आपको आपने एक्सेलरेट कर दिया तो आरपीएम हाई जाएगा और वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगी। ईवी गाड़ी में बस यही एक फंडा है कि आपको उसको सलीके से चलाना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन बार जो 2 दिखाई दे रहा है वो कांस्टेंट आप 3 और 4 रखते हैं, एक्सेलरेशन हाई रखते हैं, तो उस हिसाब से फिर आपकी रेंज कम हो सकती है। अगर आप कुछ भी कर लो, 70 पे क्रूज हाईवे पे रख के चलाते हो, तो आपका वोटार कभी भी 100 के नीचे जाएगा नहीं, यानी कि 230 की रेंज आपको हाईवे पे कभी भी मिलेगी नहीं। हाँ, एक बात है, अगर विंड आपको सपोर्ट कर रही है पीछे से कांस्टेंट हाईवे पे जहाँ पे आप ड्राइव कर रहे हो, तो आपकी रेंज बढ़ सकती है, यानी कि वो 250 तक भी जा सकती है। या फिर आप उतराई है, स्लोप ज़्यादा कंटिन्यू स्लोप आ रहा है हाईवे पे, तो उस हिसाब से भी आपको रेंज ज़्यादा मिल सकती है। बट जैसे हमारे हाईवे अभी बन चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में, जैसे ओवर ब्रिज आते रहते हैं बीच बीच में, तो उसमें क्या होता है कि एक बार आप चढ़ाई चढ़ते हो, फिर डाउनफॉल आता है, उस हिसाब से आप स्टेबल स्पीड मेंटेन करोगे तो भी वो आपका वोटार नीचे नहीं आने देगा। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि
कि मैंने जितनी भी ड्राइव की है हाईवे पे, उस हिसाब से मुझे मैक्सिमम विथ एसी बोल रहा हूँ 220 या 30 मिली है ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज, और एवरेज आप पकड़ के चलो 210-15 बनता है उसका हाईवे ड्राइव में विथ एसी। सोचा एक होल्ड ले लेते हैं चाय का, बहुत ही बढ़िया चाय मिलती है, आप देख सकते हो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फॉर्च्यूनर सब लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं। सो गुजरात में चाय का ट्रेंड वैसे भी है, तो एक सिप चाय लगा लेते हैं। 30% बैटरी बची हुई है, अभी अभी हमने क्रूज़ को 62.3 पे सेट कर दिया है अभी, क्योंकि कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। इसकी एक और वजह है क्योंकि अभी फ़िलहाल 10-15 दिन पहले इसी रूट से मैं ट्रैवल किया था, और अहमदाबाद चार्ज ना करके आगे मैंने विरमगाम पे डीसी फास्ट चार्जर था वहाँ पे पहुँचा मैं 10% बैटरी पे, और वो वहाँ पे चार्जर फॉल्टी दिखा रहा था, चार्ज नहीं हो पा रहा था किसी वजह से। तो फिर वापस मैं गया, 30 किलोमीटर बैक आया, मैंने सोचा धीरे धीरे चलाऊँगा पहुँच जाऊँगा, क्योंकि पहले भी मैंने चलाई हुई थी, 1% पे भी मैं पहुँचा हुआ था चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करने के लिए। तो उस टाइम पे ये हुआ कि जैसे ही 5% के नीचे गाड़ी गई और 4% हुआ, वहाँ से वो क्रिटिकल एरर आना शुरू हो गया, स्लो डाउन होके गाड़ी बंद हो रही है। एक दो बार ट्राई किया, फिर रिक्शा वाले से हेल्प ली, पीछे से पुश किया उसको, ऐसे करके गाड़ी को 8 किलोमीटर तक पुश करके आगे ले गए। वो जगह अभी आगे आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा। गाड़ी हमारी एग्जैक्ट यहाँ पर स्टॉप हुई, आगे स्टॉप हुई थी, फिर क्रिटिकल एरर यहाँ पे आई थी, और यहाँ से आगे वो चार्जिंग स्टेशन था हमारा, तो वहाँ तक रिक्शे वाले से हमने पुश करवा के गाड़ी को वहाँ तक पहुँचाया था। तो ऐसी नौबत ना आए इसलिए मैं चाहता हूँ कि 10% के नीचे जाए बट 5% के नीचे ना जाए, उस हिसाब से मैं अपनी स्पीड को सेट करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाऊँ। ये वो होटल है जिंजर करके, यहाँ पे टाटा का डीसी फास्ट चार्जर है। सो और काफ़ी सारे और भी कंपनी के आगे आप देख सकते हो लगाए हुए हैं, बट वो चालू नहीं है अभी। सो यहाँ पे चार्ज किया था मैंने, बैक आया था यहाँ तक, और फिर यहाँ से चार्ज करके वापस गया। तब से सोच लिया है कभी बैटरी को 5% के नीचे ड्रेन मत होने दो, क्योंकि वो फिर आपको इश्यू करवाएगा, कहीं पे भी सडनली आप स्टॉप हो जाओगे, और वो अगर बार बार ऐसा करते हो तो इश्यू बढ़ता ही जाएगा आपका। इससे अच्छा बेटर है कि आप मैक्सिमम 10% के आसपास रिस्क लो, उससे ज़्यादा रिस्क मत लो। अभी फ़िलहाल हम एसपी रिंग रोड पे है, अहमदाबाद का जो आउटर रिंग रोड है, और यहाँ से हमारे जो लोकेशन है वहाँ तक का डिस्टेंस है तकरीबन 19 किलोमीटर, और आप देख सकते हो 17% बैटरी बची हुई है और 39 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। हमें जाना है अगोरा मॉल करके, जो अभी फ़िलहाल यहाँ से 13 किलोमीटर दूरी पे है, और अभी फ़िलहाल हम एसपी रिंग रोड पे है, और 14% बैटरी बची हुई है और 33 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, और कुल मिला के हमने कवर कर लिए है 197 किलोमीटर। अभी अभी 10% पे गाड़ी पहुंच चुकी है, और कुछ लिमिटेशन के साथ गाड़ी को अभी चलाना पड़ेगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ से अभी अगोरा मॉल का डिस्टेंस बचा हुआ है तकरीबन 4.5 किलोमीटर के आसपास। सो जितना हमने सोचा था उस हिसाब से ही हमने ड्राइविंग की है, तो 5% के नीचे ना जा पाए वो हमारे लिए बेटर रहेगा। सो इसी वजह से इस बार हमने जो टारगेट लिया था वो हमने अचीव कर लिया है। सामने ही हमारा 200 मीटर पे अगोरा मॉल है। Keep left to continue on Shri Balaji Agora Mall Road, then turn left.
ये जियो बीपी पल्स का डीसी फास्ट चार्जर है और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी है अभी। और ये कुछ यहाँ का एम्बियंट है मॉल का, और अभी चार्जिंग अपनी अभी शुरू की है, देख सकते हो 11% बैटरी चार्ज हो गई है। और जब तक गाड़ी चार्ज होती है तब तक थोड़ा मॉल का चक्कर लगा लेते हैं। फिलहाल 97% बैटरी हमने यहाँ पे चार्ज की थी और रेंज दिखा रही विथ एसी 229 किलोमीटर, और 210 किलोमीटर हमने यहाँ पहुँचने में कवर किए थे। अब वापस यहीं से हम अपनी रिटर्न की जर्नी शुरू कर, पूरा 1.5 घंटा लग गया हमको। 2 बजे प्रोसेस शुरू किया था, 3:30 बज गए हैं यहाँ से निकलते निकलते अभी। और रिटर्न वही रूट रहेगा हमारा, उसी रूट से वापस जाएंगे। 210 किलोमीटर ट्राई करेंगे पहुँचता या नहीं पहुँचता। इस बार 97% ही बैटरी हमने चार्ज की हुई थी, सो ये भी एक है रिस्क कितने परसेंट पे पहुँचते हैं अभी। थर्टी 4% बैटरी बची हुई है हमारी और 75 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। और तकरीबन यहाँ से अभी डिस्टेंस बचा हुआ है हमारे घर का मैन के मोरबी का 80 किलोमीटर के आसपास। और आज की ट्रिप में हमने 342 किलोमीटर रन डिस्टेंस कवर कर लिया है और 105 होटार है अभी फिलहाल। सर जाडेजा होटल पे स्टैटिक का डीसी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है वो भी सामने ही है, तो वो एक बार यहाँ थोड़ा टॉप अप करके ही जाते हैं, क्योंकि नेक टू नेक कभी रेंज दिखा रहा है, 70 किलोमीटर डिस्टेंस बचा हुआ है और रेंज दिखा रही है 63 किलोमीटर। सो सोचा है कि यहाँ थोड़ा टॉप अप करके ही आगे बढ़ते हैं अभी। और ये है सर जाडेजा होटल, यहाँ पे थोड़ा फ्रेश अप होके चार्जिंग भी कर लेते हैं, टॉप अप ले लेते हैं हल्का सा और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर ये रिस्क अगर लिया तो फिर फंसने वाली बात हो जाएगी। मैंने बोला था 5% के नीचे अगर हम जाते हैं तो लफड़े वाली बात हो जाती है। स्टैटिक का डीसी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है तो यही लगा देते हैं अभी चार्जिंग पे। आप ये सोच रहे होंगे कि सडनली चार्जिंग क्यों कर लिया मैंने, क्योंकि अभी जो विंड चल रही है वो बिल्कुल सामने से आ रही है। अगर मान लो अगर मैं कुछ भी ट्राई करता, अगर 45-50 की स्पीड से गाड़ी चलाऊँ तो मज़ा नहीं आएगा, वो भी विदाउट एसी। उससे अच्छा है कि टॉप अप करवा के ही आगे चलते हैं, सेफर साइड रहेगा। अगर मान लो घर पर पहुंचता हूं और 5% से नीचे बैटरी चली जाती है तो फिर वही इश्यू आ जाएगा, गाड़ी रास्ते पे स्टक हो जाएगी, क्रिटिकल एरर आ जाएगी। इस वजह से सेफर साइड यहां पे हमने स्टैटिक में टॉप अप करवा के ही आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे मैंने 5 किलोवाट बैटरी को चार्ज किया था, यानी कि 29% में से 49% तक हो गई। 1 किलोवाट में 4% बैटरी चार्ज होती है अपनी। चलो आगे की जर्नी यहाँ से अभी शुरू करते हैं। 50% गाड़ी हमारी चार्ज हो गई है, 106 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है अभी फिलहाल, और वोटार है 105। अब थोड़ा फन ड्राइव होगा,
आप देख सकते हो बीच में कैटल्स भी बैठे हुए रोड पे, और अभी स्पोर्ट्स मोड में हमने गाड़ी को डाल के थोड़ा स्पीड का भी मजा लिया जाए, क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है रेंज की, तो इजीली पहुंच जाएंगे। हमने जो बल्ब चेंज किए हैं एलईडी, वो वर्थ है जितना भी हमने खर्चा किया उसमें, क्योंकि जो कंपनी के साथ बल्ब आते थे उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब देखो नाइट ड्राइव अगर मुझे करना पड़े, ज़्यादातर मैं हाईवे में नाइट ड्राइव होती है मेरी, तो मेरे लिए तो काफ़ी यूज़फुल है। और बल्ब चेंज करने के बाद मैंने तकरीबन 22,000 किलोमीटर गाड़ी को चला लिया है और कुछ भी दिक्कत आई नहीं है। वैसे 2 साल की वारंटी है, मेड इन चाइना है। अगर कुछ होता है तो वारंटी अवॉइड हो जाती है, अगर कुछ नहीं होता है चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कुछ होना तो नहीं चाहिए, बट अभी फिलहाल सही से चल रहा है अपना काम। 36% बैटरी बची हुई है और 71 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, और यहाँ से हमारे घर का डिस्टेंस है अभी फ़िलहाल 45 किलोमीटर, और हम हड़वद में एंटर हो चुके हैं अभी। कुल मिला के हमने 820 रुपये में, आप देख सकते हो, 422 किलोमीटर ट्रैवल किया है आज के दिन में, क्योंकि जब हम घर से फुल चार्ज करके निकले तो वो हमने 190 रुपये काउंट किए हैं स्लो चार्जर का। उसके बाद जो अहमदाबाद हमने चार्जिंग किया था वहाँ कुल मिला के कॉस्ट हमको पड़ी थी 490 रुपये, और जहाँ स्टैटिक का हमने चार्ज किया वहाँ 129 वो 30 काउंट कर लिया हमने, तो उस हिसाब से कुल मिला के 820 रुपये में 422 किलोमीटर गाड़ी हमने चला ली है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।